प्रताप जी, एमएलए गणेश फातिमा मैडम, हमारे प्यारे सीधे साधे अक्षय जिनको हम बोलते हैं, वो बसो कल्याण के आमदार एमएलए बी नारायण सर, एजाज लातुरे जी, सदर हमारे खलील सदर साहब, सभी हमारे साथी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित, भारत माँ के सभी सपूतों, माए और बहनों, अभी क्या है, एक जगह में कोई क्राइम बनता है तो उसके बारे में जब पुलिस उसकी सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, कोई भी तपास एजेंसी कोशिश करती है, तो क्राइम का स्टाइल में गौर करती है और किस तरह का क्राइम है उससे वो अंदाजा लगा सकती है कि गुनहगार कौन होगा। तो अभी जो देश में ये एनआरसी और सीए को लेकर एक क्राइम चल रहा है, इसमें मोडस ऑपरेंडी अपने को देखने की है। इससे एक पहले इन्होंने भानगढ़ की थी जिसका नाम है नोटबंदी। अभी उसके बारे में अगर दो मिनट अपन सोचे तो आपको पता चलेगा एनआरसी सीए का क्या है। वो क्या बोले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, भाई और बहनों, देश से आकर आतंकवाद मिटाना है कि नहीं मिटाना है? ये नोटबंदी के बाद आतंकवाद मिट जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन निकल के बाहर आएगा, ये भी बात हुई नहीं हुई ना? उस टाइम पे आप लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, पूरे भारत में एक आम आदमी के दिल में एक अच्छा सुकून का वातावरण था, क्या लगा आपने को शुरू में? अपने को क्या है भाई, अपने पास तो पैसा ही नहीं है, जिसके पास है वो मरेंगे, उनका निकलेगा, काला धन बाहर आएगा, गरीबों को मिलेगा, बाहर देश का भी काला धन आएगा, 15-15 लाख अपने को मिलेंगे, 15 रुपए मिलेंगे भाई, नहीं मशीन चला दो। जैसे वो नोटबंदी का हाल हुआ वैसे ही ये भी है, सेकंड पार्ट है ये नोटबंदी का। आगे मेरे को बताओ, ये नया कानून बनाया क्या इन्होंने? नहीं, देश के सभी, दुनिया के सभी देशों में नागरिकता का कानून है, हमारे देश में भी संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने नागरिकता का कानून रखा था। हाँ, उसमें खाली इन्होंने अमेंडमेंट करिए, सुधार, क्या सुधार है ये कुछ काम का सुधार है क्या? ये षड्यंत्र है, सुधार नहीं भाइयों, ये षड्यंत्र है, इन्हें सिर्फ अपने को डराना है, घबराहट पैदा कर दिए, हिंदू और मुसलमान में एक भेद तैयार करना है और उसके ऊपर सत्ता की रोटी सेकनी है खुद की। ये चाल है, इनकी चाल आपने और पूरे देश में जानी, इसी वजह से तो आप लोग, हम लोग पूरा भारत वर्ष शाहीनबाग से लेकर के पूरी गली गली में देहात तक हम रस्ते पे है, लेकिन शांतिपूर्वक तिरंगा लेते हुए भारत माता की जय बोलते हुए रस्ते पे। इससे वो परेशान हो गए और निकाले वारिस को, ये वारिस नहीं लावारिस है। ये क्या है, पूरा देश ये खो रहा है, हिंदू मुसलमान, अरे भाई इसके खिलाफ ये सीए एनआरसी के नाटक के
भैया जी हिंदू है, ईश्वर खंडे साहब हिंदू है, भानु प्रताप जी हिंदू है, और जिनका नाम लेके हम चल रहे हैं वो सभी हमारे महात्मा भी हिंदू है। तो हिंदू खिलाफ नहीं है क्या? गरीब खिलाफ नहीं है क्या? हम सब खिलाफ है भाइयों। इनका नाटक हमें तोड़ना है। ये भारत मोदी और शाह के बाप की जागीर नहीं है, ये भारत तुम्हारा है, ये भारत हमारा है, ये भारत महात्मा बसवे शंकर का है। मैं लातूर से आया हूं, लातूर वो गांव है। हमारे आदरणीय विलासराव देशमुख साहब ने महाराष्ट्र में पहली बार बसवण्णा की जयंती की छुट्टी, गवर्नमेंट छुट्टी, हॉलीडे डिक्लेयर किया था। उस लातूर से मैं आया हूं। हमें जात धर्म का पता नहीं है, हमें भारत माँ का पता है। और भारत माँ के लिए हम सब इकट्ठे रहेंगे। इनकी जो चाल है कि हम बौखलाए, बिगड़ जाए और झगड़ा करे, रस्ते में बवाल हो, दंगे फसाद हो, और इनका लॉटरी लगे पार्टी का, सत्ता का, ये मोदी शाह की चाल हम पूरे देश ने पहचानी है। और मोदी शाह को एक ही बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी तो शाहीन बाग में माँ बहने बैठी है, ये शांति से चल रहा है। भाई हम उस महात्मा गांधी के वारिस है, तुम्हारे नथुराम गोडसे के वारिस नहीं है। किसने दुनिया पे अमल करने वाली, दुनिया पे सत्ता स्थापित करने वाले अंग्रेजों को, एक सोचो भाई, एक मिनट के लिए